एंडी कॉन्कोडर को लेकर मार्वल का शॉकिंग स्टेटमेंट, 2023 के सैंडिएगो कॉमिक कॉन के इवेंट में मार्वल इंटरफेयर क्यों नहीं कर रहा है, मिशन इम्पॉसिबल 7 एंड ओपेनहाइमर की अर्ली आउटस्टैंडिंग रिव्यूज, एंड मोस्ट प्रोबेबली द फ्लैश के बाद बेन एफ्लेक के बैटमैन का फिर से कैमियो। तो चलो इन एक्साइटिंग खबरों को डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। मैं जानता हूँ ये वीडियो मेरे रेगुलर वीडियो से थोड़ा सा अलग है, बट तुम्हें इन्फॉर्मेशन तगड़ा मिलने वाला है। सबसे पहले कैंग द कॉन्कोडर पे आए तो मार्वल स्टूडियोज के अकॉर्डिंग जोनाथन मेजर्स को कैंग द कॉन्कोडर के रोल से नहीं हटाया जा रहा है। तुम्हें अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो तुम्हें मैं बता दूं, कुछ महीनों पहले जोनाथन मेजर्स को अपने गर्लफ्रेंड को छेड़ने की जुल्म में मल्टीपल असॉल्ट और हैरेसमेंट के चार्जेस लगे थे और कोर्ट में उनका केस अभी भी चल रहा है। बट कुछ स्ट्रॉन्ग न्यूज पोर्टल के थ्रू पता चल रहा है, कुछ दिन पहले जोनाथन मेजर्स के केस के हेयरिंग के दौरान उनके लॉयर ने कुछ ऐसे वीडियो फुटेज सबमिट किया है जिससे वो इनोसेंट प्रूफ हो सकते हैं, और इसी साल अगस्त के आसपास हो सकता है कि जोनाथन मेजर्स का ये लफड़ा खत्म हो जाएगा। वैसे भी देखा जाए तो डिज्नी या मार्वल किसी ने भी जोनाथन मेजर्स के अगेंस्ट कुछ भी एक्शन नहीं लिया है। शुरू शुरू में तो ये भी खबर आ रहा था कि डिज्नी जोनाथन मेजर्स को कैंग के रोल से हटा दिया है, बट वो सब फेक न्यूज थे। अब खबर आ रहा है कि हमारे मार्वल वाले जोनाथन मेजर्स को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है और उनको कैंग द कॉन्करर के रोल से नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि ऑलरेडी कैंग डायनेस्टी के लिए उनके साथ मार्वल ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। तो चिंता की कोई बात नहीं, जोनाथन मेजर्स ही मल्टीवर्स आ की बिग बैड के लिए कंफर्म हो चुका है। बट भाई साहब, मार्वल फैंस की इसी गुड न्यूज को कैरी करते हुए एक सैड न्यूज भी निकल कर आ रहा है। 2023 की सैन डिएगो कॉमिक कॉन में मार्वल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तुमने देखा होगा कि मार्वल ने पिछले साल कुछ बड़े बड़े मूवीज को अनाउंस किया था सैन डिएगो कॉमिक कॉन के इवेंट में, एग्जाम्पल फैंटास्टिक फोर, एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी, एवेंजर्स सीक्रेट वॉर। बट तुम्हें बता दूं, वो मूवी ऑलरेडी 1.5 साल के लिए डिले हो चुका है। इसका रीजन क्या है हम सबको बताए, यूएस में राइटर स्ट्राइक। इस स्ट्राइक के चलते पिछले साल मार्वल ने जो पूरा शेड्यूल रेडी किया था वो टोटली गड़बड़ा चुका है। और मैंने कहा था एवेंजर्स की मूवीज तो 1.5 साल के लिए डिले हो ही चुके हैं, उसके साथ कुछ मूवीज और सीरीज जिनका काम चल रहा था वो बंद पड़ चुका है। बहुत सारे मूवीज पोस्टपोन हो चुके हैं तो कुछ मूवीज प्रीपोन भी हो चुके हैं, जैसे डेडपूल 3 मूवी प्रीपोन हो चुका है और वो हमें लगभग 11 महीनों के अंदर अंदर देखने को मिलेगा। बट ब्लेड और थंडरबोल्ट जैसे मूवीज 2 साल के लिए डिले हो चुका है। देखो भाई, मोटा मोटा ये समझ के रख लो कि फेज 6 का जो पिछले साल एक शेड्यूल मार्वल ने जारी किया था जिसमें सिर्फ 3 मूवीज थे, फैंटास्टिक फोर, एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स, उन मूवीज के अलावा और भी कुछ खाली जगह था जिसको मार्वल इस साल की कॉमिक कॉन में फुलफिल करने वाला था, जैसे इटर्नल्स 2 अनाउंस होने वाला था, स्पाइडरमैन 4, सैंगची 2, एक्समैन के मूवीज वगैरह वगैरह, जो कि वो मूवीज मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें 2026 और 27 में मिल जाएगा। बट इतना जल्दी 2023 में ही मार्वल उनको अनाउंस नहीं करना चाहता, क्योंकि भाई टोटली हॉलीवुड का काम राइटर स्ट्राइक के चलते बंद पड़ चुका है, तो उनमें मार्वल भी तो इन्वॉल्व है ना, इसलिए मार्वल थोड़ा सा सेफ खेलना चाहता है और धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहता है। इसमें तुम्हारा क्या ओपिनियन है कमेंट में बताओ। देखा जाए तो मार्वल का तो पनौती लग चुका है, बट टॉम क्रूज और क्रिस्टोफर नोलन भाई साहब का टाइम अच्छा चल रहा है। मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1 हो या ओपेनहाइमर, दोनों ही मूवी का अर्ली रिव्यूज बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। रिसेंटली मिशन इम्पॉसिबल 7 का प्रीमियर हो चुका है और उस मूवी के एक्शन सीक्वेंस का भरपूर तारीफ किया जा रहा है, और सुनने में आ रहा है टॉम क्रूज के डेडिकेशन को लोग सैल्यूट कर रहे हैं, और वैसे भी इस मूवी को लोग समर ब्लॉकबस्टर का टैग दे चुके हैं। दूसरी तरफ ओपेनहाइमर मूवीज के अर्ली रिव्यूज में उसके एक्सपीरियंस को हाईलाइट किया जा रहा है। स्पेशली हम सब जानते हैं क्रिस्टोफर नोलन इनटू आईमैक्स इक्वल टू एक्सपीरियंस ही होता है बॉस। वैसे भी ओपेनहाइमर मूवी एक बायोपिक है, बट लोग इसको बायोपिक के तौर पे जज नहीं कर रहे हैं बल्कि रियल इंसिडेंट के तौर पे देख रहे हैं। खैर, क्रिस्टोफर नोलन जी का मूवी, मतलब मैं समझता हूं कि दिमाग को घर में अच्छे से साफ करके मूवी देखने जाना होगा, नहीं तो भाई कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सब कुछ सिर के ऊपर से जाएगा। बट बेन एफ्लेक अभी के लिए डीसीयू से नहीं जाने वाले हैं। द फ्लैश में इत्तू सा कैमियो करने के बाद फिर से वो दिखने वाले हैं इसी साल एक्वामैन द लॉस्ट किंगडम में। सिर्फ यही नहीं, उनके बड़े भाई माइकल क्रीटन भी वापस आ रहे हैं। पिछले साल एक्वामैन 2 के शूटिंग के दौरान जेसन मोमोआ ने कंफर्म किया था कि माइकल क्रीटन के बैटमैन हमारे मूवी में दिखने वाले हैं, बट अब जेसन मोमोआ फिर से कह रहे हैं कि हमारे मूवी में तो बेन एफ्लेक भी दिखने वाले हैं। वैसे देखा जाए तो इस तरीके से नॉस्टैल्जिया को हिट करते हुए मूवीज बना के कुछ होने नहीं वाला है। The Flash मूवी इसी रास्ते में जा रहा था, बट तुम जानते हो Flash का बॉक्स ऑफिस कैसा है भाई, फ्लॉप के कगार में जा चुका है मूवी। उसी खाते में सॉरी यार बोलना पड़ रहा है, Aquaman 2 भी कुछ वैसा वैसा नहीं कर पाया। ये दुख कहे खत्म नहीं हो रहा है वे, सच में यार डीसी के लिए बहुत बुरा लग रहा है। लास्ट उम्मीद तो भाई जेम्स गन भाई साहब है, प्लीज अब बचा लो डीसी को। वैसे तुम बताना ऐसे ये अपडेटेड वीडियो मुझे करना चाहिए या नहीं कमेंट में जरूर बताना, इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना, एक लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब करने के बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।